राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। मोह में गंगा दशहरे के मौके पर लोगों ने जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया और शहर के ऐतिहासिक महत्व के बेलाताल को साफ किया। प्रदेश में चलाए जा रहे जल गंगा अभियान के आखिरी दिन बेलाताल में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक जयंत मलैया, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ सरकारी अमले और बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के लोगों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों ने बेलाताल के साथ शहर के दूसरे तालाबों और जल स्रोतों को साफ स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया। पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने इस अभियान को बड़ा अभियान बताया तो कलेक्टर कोचर ने लोगों से अपील की कि सफाई के बाद तालाबों को साफ रखने का जिम्मा हर नागरिक को निभाना चाहिए। बेलाताल को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। बेलाताल को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। बेलाताल को स्वच्छ बनाए, हम सबने ठाना है। बेलाताल को स्वच्छ बनाना है, हम सबने ठाना है। बेलाताल को स्वच्छ बनाना है, हम सबने ठाना है। बेलाताल को स्वच्छ बनाना है, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। बेलाताल को स्वच्छ बनाए। भारत माता की जय। भारत माता अच्छा है। प्रदेश के हर जगह पर इस तरीके से इसका आयोजन किया गया है कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनका उन्नयन किया जाए। इसी तारतम्य में बेलाताल की हम लोग सफाई कर रहे हैं और लगातार चल रहा है ये कार्य। लोगों का बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है। एक बार ये हो जाएगा, एक दो दिन और बारिश नहीं गिरती है तो मुझे लगता है कि पूरा साफ हो जाएगा और ये निश्चित तौर से सभी लोगों की एक बड़ी उपलब्धि है। आप एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, लगातार आपका मार्गदर्शन मिलता रहा, आम जनमानस के लिए क्या संदेश है आपका? सबको जो जो जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ भी जो वाटर बॉडीज हैं उनको संरक्षित रखने का काम करें। आज के समय में पहले कितनी क्राइसिस नहीं थी जितनी आज है और दिन ब दिन बढ़ता जा रही है। इस समय बहुत आवश्यक है कि जहाँ जहाँ हमारी वाटर बॉडीज हैं ये ब्यूटिफिकेशन का भी काम करती हैं। सारी दृष्टि से बड़ा अच्छा है। आज से करीब 30-32 साल पहले मैंने यहाँ के 3 ताल अपना, ये बेलाताल और फोटेरा और ये पुरैना, तीनों तालों का एक किराया था। उसी समय ये गहरीकरण भी हुआ था, इसकी सारे के सारे घाट बने थे और उसकी पिचिंग हुई थी। उसके बाद लगातार, क्योंकि ये नगर पालिका का है, उनको काम करना चाहिए था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। आशा करता हूँ कि आगे सब लोग मिलकर काम करें। मेरी बहुत जैसा कि आप जानते हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5 जून से 16 जून तक चलाया जा रहा है और इस अभियान का आज आखिरी दिन है। तो इस अभियान के आखिरी दिन को एक ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए ये प्लान किया गया था कि बेलाताल में हम सफाई अभियान चलाएं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ पोकलेन और जेसीबी मशीनों से गाद की निकालने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ आज शहर के जनमानस ने अभूतपूर्व संख्या में उपस्थित होकर जन सहयोग से, जन भागीदारी से, श्रम परिश्रम करके आज यहाँ पर गाद निकालने का, कचरा निकालने का और पॉलीथीन निकालने का
श्रमदान का काम किया है और निश्चित रूप से मैं मतलब आज मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पर सभी समाजों के सभी संगठनों के लोग एकत्र हुए, आम जनता एकत्र हुई, पर्यावरण प्रेमी एकत्र हुए और सब ने मिल करके बहुत जोश और जुनून के साथ आज ये लगभग 2-2.25 घंटे का सफाई अभियान इन्होंने चलाया है। मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी जनमानस का, पूरी सभी सामाजिक संगठनों का, धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुटे और आप लोगों ने ये काम किया। अब आगे हमारा काम ये है कि बेलाताल बेमिसाल बने। अब यहाँ पर जो एक काम अभी शुरू हुआ है, कारवां शुरू हुआ है, वो रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो अब मशीनों के माध्यम से हम लोग और मैन पावर के माध्यम से जितनी सफाई यहाँ पर करा सकते हैं तेज़ी से कराएंगे ताकि आने वाली बारिश में यहाँ का पानी जो है स्वच्छ रहे। और जैसा कि यहाँ के नागरिक मुझे बताते हैं साहब, हमारे दादा परदादा जो है इस पानी का आचमन किया करते थे, हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसको उस स्वरूप में ला कर के फिर से खड़ा कर सकें। एक बार फिर मैं आम जनता का, जम्मू के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय विधायक जी और माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारे जनप्रतिनिधि भी आज यहाँ पर सुबह से, मैंने देखा कि माननीय विधायक जी बिल्कुल 7 बजे जो है सुबह इकट्ठा हो गए थे यहाँ पर और उन्होंने 7 बजे सुबह से काम करना शुरू कर दिया था। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। मैं मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब ने सुबह से इस पूरी इवेंट को कवर किया है और ये देखा गया कि लोगों ने खुले मन से जो है यहाँ पर काम किया, परवाह नहीं की कि वो उनके हाथ गंदे हो रहे हैं, पैर गंदे हो रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने काम किया। मैं आप सबसे मैं खेद व्यक्त करता हूं कि यदि इस कार्यक्रम में पूरे आप लोगों को कहीं कोई असुविधा हुई हो, हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले समय में ये बहुत अच्छी टीम बन गई है, आगे आने वाले समय में आप सबके सहयोग से और भी हम सामाजिक चेतना के कार्यक्रम इस तरह के चलाते रहेंगे। सब जनता ने ही इसी गंदा की। यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए आपकी आस्था जो है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस तरह से गंदगी डालें और एक पक्ष गंदगी डालता रहे और एक पक्ष गंदगी साफ करता रहे। ये संस्कृति बिल्कुल हमारी आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है। जितने जो है देवी देवता पूज्य हैं उतने ही नदी और तालाब भी हमारे लिए पूजनीय है। इसीलिए मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप ये कचरा यहां पर बिल्कुल ना डालें। हम आगे चल के कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आपको निर्माल्य डालने की भी व्यवस्था हो और यहां पर यदि कोई खुले में कचरा डालता है तो उनके ऊपर हम जुर्माना करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही हम पॉलीथीन बैन करने की तरफ और थैले और झोले के उपयोग के प्रोत्साहन की तरफ भी अब कदम बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से एक टोटलिटी में काम करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। और ये क्या है, ये कल्चर का प्रश्न है, ये आदतों का प्रश्न है, ये एक रात में ठीक नहीं हो सकता। तो धीरे 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 हम ये इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जो जुलाई महीने और उसके बाद जो त्यौहार आने वाले हैं उन त्यौहारों में इस तरह की चीज़ बिल्कुल ना हो। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।